प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, कहा कि वैश्विक कल्याण के लिए भारत यूरोपीय संघ के साथ निकटता से काम करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही सरकार, पीएससी के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बना देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व। और अपनी बास कला से प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बुटलू राम माथरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने इन वैश्विक नेताओं के साथ अपनी चर्चा का ब्यौरा सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सहित वैश्विक नेताओं के साथ अपने विचार विमर्श का उल्लेख किया। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कल्याण के लिए भारत यूरोपीय संघ के साथ निकटता से काम करता रहेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री ने अपने वाणिज्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। यह भारत इंडोनेशिया के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की पुष्टि करती है। वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ हुई चर्चा में नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ चर्चा में व्यापार, आर्थिक सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा तथा नीली अर्थव्यवस्था में संयुक्त प्रयासों पर बल दिया गया। इससे पहले G20 के उद्घाटन सत्र में भागीदारी करते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने पिछले दशक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारने जैसी उपलब्धियों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि G20 की चर्चाओं के केंद्र में ग्लोबल साउथ से संबंधी चिंताएं होनी चाहिए। श्री मोदी ने सतत कृषि, जैविक कृषि, मोटे अनाज और जलवायु के अनुकूल फसलों के प्रोत्साहन पर भारत का ध्यान केंद्रित करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को विधानसभा में भेजा है। चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और उसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे अधिकारी हों चाहे नेता हों, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे और सीबीआई ने जांच चालू कर दी है। कल ही पीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अपने बेटे बहू की नियुक्ति के लिए सीएसआर मद से पैसा देने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जनता हम लोगों को विधानसभा में चुनाव जीता के सरकार में बैठाई है और चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हमारे बेटा बेटियों से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीबीआई प्रकरण, मतलब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है और एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने शायद बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी और सीएसआर मद से उसका भुगतान हुआ था, तो ये सब एकदम प्रमाणित है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है और कोई भी दोषीदार इसमें भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान लगाने से नहीं रोका जा रहा है, कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमको ये भी बताया गया क्षेत्र में कि गर्मी का धान नहीं लगाना है, गर्मी में अगर किसान धान लगाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जबकि शासन के तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। हम लोग तो किसानों के हितैषी पार्टी वाले हैं, सरकार वाले हैं और जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसानों के हित में काम की है उतना कांग्रेस ने कभी नहीं की है। और उसी तरह से
ये भी पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि हम तो हमारी सरकार तो लगातार पेड़ लगा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम पर, उसमें 4 करोड़ पौधे हम लोग छत्तीसगढ़ में लगाए भी हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अपने बस्तर प्रवास से रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई विषयों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जागरूकता रथ को आज जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका व ग्राम पंचायत के क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में जानकारी देकर लोगों को अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। यदि लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए तो यह बिजली आम जनता को निःशुल्क मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसमें प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीएसईबी इसमें नोडल एजेंसी है और ये जिले में लगातार इसमें काम चल रहा है। आज इसकी बैठक भी रखी है, तो बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे और आगे की क्या कार्य योजना है। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश जांगड़े ने बताया कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 लाख रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जो उपभोक्ता हैं उन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के छत के ऊपर में सोलर पैनल लगाना रहता है और ये 3 किलोवाट तक जो है सब्सिडी, शासन की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है। और इसको लगाने से जो भी आपका कंजम्पशन है, जो घर का खपत है, वो आप घर में खपत है जितना आपके सोलर पैनल से जो उत्पन्न होगा, बिजली उत्पन्न होगा, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग होने के बाद में जो आपको बचेगा उसको हमारे ग्रिड में या CSPDCL के ग्रिड में आप उसको दे भी सकते हैं। उसके उसके आधार पर आपको पैसा भी रिटर्न होगा उसमें। तो सर, इस तरह किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या है इसका? इसमें पीएम सूर्य घर योजना .co.in आप एक वेबसाइट है या मोबाइल ऐप जो है उसका, उसमें जाके ऑनलाइन प्रोसेस है, सारी ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें आप ऑनलाइन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इसे सब्सिडी के लिए भी जन समर्थ जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी आप सब्सिडी का उपयोग कर सकते हैं। बताया गया है कि 1 से 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार 30,000 से 78,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है। तकनीकी रूप से 3 किलोवाट के सोलर प्लांट में हर माह औसतन 300 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव को धन्यवाद दिया है। यह टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व होगा। वही टाइगर रिजर्व बनाने अधिसूचना जारी होने पर बैकुंठपुर के सुभाष चौक में लोगों ने फटाखे फोड़ कर खुशियां मनाई। उद्यान के संचालक सौरभ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। हर्ष की बात है और सभी लोग को शुभकामनाएं कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 4th टाइगर रिजर्व और क्षेत्रफल के मामले में पूरे देश के 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस विषय में छत्तीसगढ़ शासन का गजट नोटिफिकेशन कल पब्लिश हुआ है। इसके लिए विशेषकर पूरे सरगुजा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों और सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरे हर्ष का विषय है। काफ़ी लंबे समय से इस दिशा में प्रयास जारी थे इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के स्टेटस के लिए और फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय वन मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये अधिसूचना जारी हुई है। और निश्चित तौर पर जो हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ये समीपवर्ती क्षेत्रों के संजय टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया। भारत गणराज्य द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए हर साल देश भर में 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है।
दुर्ग भिलाई के शिक्षाविदों अवनीश सक्सेना, डॉक्टर हंसा शुक्ला, डॉक्टर अजय सिंह ने संविधान सभा दिवस के महत्व के बारे में बताया कि हमारे संविधान देश के लिए गौरव होने के साथ साथ सामाजिक समरसता और अखंडता का परिचायक भी है। 70 वर्ष होने जा रहे हैं और इस पे भारत सरकार ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। अभी जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है जो प्रतिमा थी उसकी आंखों से पट्टियाँ हटा दी गई हैं और उसके हाथों में संविधान की प्रति रखी गई है। इन सब का मैसेज जो है बहुत गहरा है कि न्याय सबको देख रहा है और अगर हम इसे दैनिक जीवन के साथ अगर जोड़ करके देखना चाहें तो हम सबको अपने लिए भी एक संविधान बनाना चाहिए, नियम बनाने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो और हम सब समाज, दुनिया, देश और विश्व में अपनी सही भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर हो तो ही संविधान दिवस को मनाने का एक सही अर्थ होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ी बात है हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान से बहुत से अच्छी चीज़ों को लिया है और जो कमी रह गई थी वो भारतीय संविधान में अलग से शामिल किया गया है। मुझे लगता है 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें जन 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 तक अपने संविधान के कर्तव्य और अधिकारों को जो उसके विशेष तत्व हैं उससे परिचित कराना जरूरी है। संविधान दिवस की सभी को देशवासियों को शुभकामनाएं और मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने जो सभा की और इसको अपनाया तो कितनी दूरदर्शिता रही होगी कि इतना बड़ा देश, इतने सारे प्रांत, संप्रदाय, धर्म, समुदाय और विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं सबको एक सूत्र में ला के पिरो दिया और आज उसी की ही वजह से जो 1949 में हमने संविधान को अपनाया और 1950 में लागू किया आज 2024 में भी सरकार उसी संविधान का उपयोग करके देश को प्रगति की ओर ले जा रही है। आप देख रहे होंगे अभी लगातार समाज में भारतीय संविधान को लेकर उसकी कापियां लेकर सभी लोग चल रहे हैं तो भारतीय संविधान में जो लिखित भारतीय नागरिकों के अधिकार हैं उनके बारे में सभी को जागरूक करना ये हम सब की अपेक्षा है और सब लोग जाने इस चीज़ को, संविधान को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सभी लोग समर्पित रहें। आपको बता दें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए संविधान में सभी वर्गों और समाज के लोगों को एक जैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर के TCL शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला इकाई का 7 दिवसीय शिविर कुलीपोर्ट गांव में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान गांव के तालाब और गलियों की सफाई की गई, वहीं लोगों को स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। यह बौद्धिक परिचर्चा में वक्ता के रूप में पत्रकार राजकुमार साहू और कॉलेज के प्रोफेसर नीलेश मिश्रा शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। NSS की कार्यक्रम अधिकारी पुष्पा सिंह ने कहा कि NSS की एक्टिविटी से अनुशासन आता है और स्वयं सेवकों में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है। दुनिया में आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है और शिविर के दौरान बच्चियां जो हैं आसपास नगर भ्रमण में भी जाती हैं और वहां बच्चे जो हैं वहां जो बुज़ुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उन सभी को जागरूकता के लिए उनको पढ़ने मुख्य पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं अपने पोस्टर्स के द्वारा, अपने क्या बोलते हैं किसी कहानी के द्वारा उनसे जाके बैठती हैं, उनके बारे में पूछती हैं और फैमिलियर हो के उनको कोशिश करती हैं कि जितना बेहतर से बेहतर तरीके से उनके समझ उनके उनके शब्दों में उनसे उनको समझा सके और जागरूकता ला सके।
वहीं एनएसएस की छात्राओं ने कहा कि एनएसएस से उनमें अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी शिविर में हैं, तो यहाँ बहुत से लोग मंच पे आके बोले नहीं थे, सबके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि वो सामने आए, बात करें, अपनी बात जाहिर करें। हम एनएसएस वाले इसीलिए हैं, स्वयं सेवक हम इसीलिए हैं कि हम दूसरों की परेशानी को सुने, उन्हें समझे और उन्हें उसकी सलाह भी दें, उन्हें बताए भी और उनकी मदद भी करें। इस तरीके से हमने आसपास के लोगों के सामने जन जागरूकता का भी प्रसार प्रसार किया। यहाँ जितने भी दिन से हम लोगों ने सेवा किया है, बाकी जितने भी शिक्षक या अतिथि जितने भी आए हैं, उन्होंने सबने बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई है हमें भी, और जो आसपास के ग्राम के लोग भी हैं उन्होंने भी ये सारी बातें सीखी हुई हैं। हमारा जो कार्यक्रम होता है, सभी बच्चों को जागरूक करना है, हम लोग साफ सफाई का कार्यक्रम किए, मतलब पिछले दिन हम लोग तालाब गए थे, वहाँ का कचरा वगैरह साफ किए, जो काटा वाटा उसको हटाए, पत्ता वत्ता सबको जलाए, प्लास्टिक को भी, और यहाँ जितने भी कचड़े फैले थे वो सबको साफ किए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही कई जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। मुंगेली जिले के किसानों ने धान खरीदी में गड़बड़ी के आरोप में चक्का जाम कर दिया है। किसानों का आरोप है कि समिति के द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की बजाय 16 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है और इसी हिसाब से टोकन भी जारी किया जा रहा है। जब धान लेकर आए तो हमको बताया गया, मतलब यहाँ के जो समिति प्रबंधक हैं उनके माध्यम से जानकारी दिया गया कि मतलब 16 क्विंटल के हिसाब से पर एकड़ 16 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होगा करके, क्योंकि हम लोग टोकन पहले से कटा चुके थे और टोकन 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हम लोग टोकन कटाए थे। जब यहाँ आने के उपरांत हम लोग को यह जानकारी मिला कि 16 क्विंटल के दर से मतलब खरीदी किया जाएगा ऐसा करके, तो हम सभी ने मतलब किसान सभी सहमति दिए कि मतलब हम लोग को ये स्वीकार मान्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 21 क्विंटल खरीदने का जो हम लोग से वादा किया गया है उसके आधार पर 21 क्विंटल खरीदी हो और टोकन भी हम लोग कटवा चुके थे। अनारी और गिरदावली के हिसाब से 21 क्विंटल खरीदना चाहिए शासन लोग, 16 क्विंटल खरीदा दिया, इसी वजह से हम लोग चक्का जाम किए थे कि 21 क्विंटल खरीदा जाए। अनावरी और गिरदावरी में आप लोग को रिपोर्ट का अंतर मालूम है, क्या होता है अनावरी? नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है भैया। प्रति एकड़ हमको शासन ने बोला है कि गिरदावली हो या ना हो, प्रति एकड़ शासन खरीदेंगे बोला है धान 21 क्विंटल, और 16 क्विंटल का मामला लाकर फंसा रहा है, इसी वजह से हम लोग चक्का जाम किए हैं। तहसीलदार कुणाल पांडे का कहना था कि समिति कर्मचारी और किसानों के बीच कंफ्यूजन की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। शासन के दिशा निर्देश के मुताबिक किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है। बिचालियों का बोगस धान नहीं खरीदने के कारण शासन स्तर पर निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर किसानों के खेतों में जाकर राजस्व अमला के द्वारा खसरा रकबा का सत्यापन पूर्व में ही किया जा चुका है। गलतफहमी की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है करके आक्रोशित किसानों द्वारा चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, हमारे द्वारा किसानों को समझाइश दी गई कि सभी से 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, जिसके बाद किसान संतुष्ट हो गए हैं। वर्तमान में धान खरीदी सुचारू रूप से चालू कर दी गई। बताया गया है कि अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसानों का वास्तविक धान जो उन्होंने अपने वास्तविक रकबा खसरा के हिसाब से उत्पादन किया है उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बुटलूराम माथरा अपनी बांस कला से लोगों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। नारायणपुर के रहने वाले बुटलूराम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। बुटलूराम माथरा लोक कला को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं। आइए उनके बारे में और अधिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांस से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाते ये हैं बुटलूराम माथरा, जो अबूझ मारिया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बुटलूराम माथरा बीते 4 दशकों से इस संस्कृति के संरक्षण के प्रयास में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से 5 किलोमीटर दूर कोंडागांव रोड स्थित देवगांव निवासी बुटलूराम माथरा कई सामाजिक कार्यों में भी जुटे हुए हैं। वो लोगों को स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बुटलूराम के समर्पण की सराहना करते हुए बुटलूराम की इस लगन को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। जैसे कृषक भी हूँ
और कला के क्षेत्र में बोलने से ये कलाकृति बनाते हैं और टाइपेड गवर्नमेंट से जुड़े हैं, उन लोग एग्जीबिशन में बुलाते हैं तो उसमें आमदनी भी होता है। ये सब पीएम का योजना है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे कार्य के लिए सराहनीय दिया है। कितने क्या है उसके लिए? कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ 30-35 लोग है, ज्यादा भी है, कभी कभी कम आते हैं। इनको मैं 12 महीने रोजगार दिया हूँ और इनका रोजी रोटी चलता है तो इनको परमानेंट काम दिया हूँ। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण बुटलू राम माथरा केवल 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन हौसला नहीं हारा, खेती में हाथ आजमाया। हाथ में हुनर था तो बांस से कलाकृतियां और विभिन्न यंत्र बनाने लगे और अपनी कला के जरिए अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू करने लगे। बुटलू राम की बनाई हुई कलाकृतियों की देश विदेश में बहुत मांग है। उन्हें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वो लोगों को इसी कला के जरिए रोजगार भी प्रदान करते हैं। मैं बांस और नृत्य कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी मैं बांस शिल्प का काम चला रहा हूँ, इसमें रोजगार दिया हूँ कलाकारों को, और नृत्य कला में भी कई हजारों कलाकार को जोड़ के काम कर रहा हूँ। और कई पीएम योजना ये भी है, उसमें भी नृत्य प्रस्तुति किया हूँ, जैसे मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे योजना जो है उसमें काम किया हूँ मैं, नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रचार प्रसार ये कर रहा हूँ। 4 दशकों से अबूझ मारिया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और बढ़ाने में जुटे हुए हैं बुटलू राम माथरा, जिन्होंने लोक कला की धरोहरों को सहेजते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। बुटलू राम जैसे गुमनाम नायकों की लगन और निष्ठा ही हमारी सांस्कृतिक विरासत की असली धरोहर है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से जयंत रंगारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेहतर स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों को बढ़ावा देना तथा बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार में स्वच्छता की भूमिका को समझना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो सतत विकास लक्ष्यों का एक प्रमुख हिस्सा है। आइए इस संबंध में और जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम है शौचालय शांति के लिए एक स्थान। यह थीम दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए शांति, सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देने में सुरक्षित स्वच्छता के महत्व पर जोर देती है। 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय सतत विकास लक्ष्य 6 के लक्ष्यों में से एक है। 3.5 बिलियन लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के बिना रहते हैं, जिनमें 419 मिलियन लोग शामिल हैं जो खुले में शौच करते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2024 अभियान सरकारों से ये सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि स्वच्छता और जल सेवाएं लचीली, प्रभावी, सभी के लिए सुलभ और नुकसान से सुरक्षित हों। इस दिन की स्थापना 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी और 2013 में इसे संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक कर दिया। विश्व शौचालय दिवस व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों के लिए एक मंच है जहां वे एक साथ आते हैं, जानकारी साझा करते हैं। शौचालय निर्माण में आज भारत दुनिया के लिए एक नजीर बन गया है। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से पहले स्वच्छता का प्रतिशत 39 था, वहीं आज यह आंकड़ा 100% है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गांव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF और ODF प्लस घोषित किया। स्वच्छ भारत के अंतर्गत तकरीबन 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। यूनेस्को के रिपोर्ट के मुताबिक शौचालय बनने से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बीमारी पर खर्च होने वाले 50,000 रुपए की बचत हुई है। WHO का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान खत्म होने तक डायरिया से तकरीबन 3,00,000 बच्चों की जान बचाई जा सकी। गाँव में शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरी और लोगों को रोजगार मिला। रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान के तहत 1 मिलियन से अधिक शौचालयों का नवीनीकरण किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।